कहते हैं कि कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे अनुभव ना कर लें। लेकिन क्या हो अगर कि अनुभव करने के बाद आप उस पर विश्वास करने के लिए बचे ही ना। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डर के खौफनाक बक्से में। मैं हूँ दीपिका और आप सुन रहे हैं दीपिका फियर बॉक्स। ये कहानी है उन तीन दोस्तों की जो खुद अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारने जा रहे हैं। होम स्वीट होम, स्वीट होम। हेलो हेलो शिवम। हाँ, कहाँ है तू यार? काम कर, प्रिया को लेकर तू जल्दी आ जा। आज ना उसे भूत बंगले की सैर कराते हैं। आज उसे साबित करके बता देंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। तू बस उसकी आंखों पर ना पट्टी बांध कर ले आ। हाँ, ये सही कहा तूने। बस 5 मिनट में लेकर आता हूँ उसे। ठीक है, मैं यहीं भूत बंगले के बाहर खड़ी होकर तेरा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से आ जा और हाँ, प्रिया की आंखों पर ना पट्टी जरूर बांध दियो, नहीं तो वो इसे देखकर ही भाग जाएगी। और थोड़ी ही देर में शिवम प्रिया को लेकर रत्ना के पास पहुंचता है। रत्ना कहती है, हाय शिवम, कैसा है तू? हाय प्रिया, और क्या हाल? बस यार बढ़िया, तू बता। यार तुम लोगों की हाय हेलो हो गई हो तो मुझे बताओ कि मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? तुम लोग आखिर क्या सरप्राइज दे रहे हो? अरे अरे रुक जा, सब्र कर जरा, आज ना तुझे किसी से मिलवाना है। रत्ना और शिवम प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगते हैं। तभी प्रिया का फोन बजता है। अरे यार देखो ना किसका कॉल है। हाँ हाँ रुक। रत्ना उसकी जेब से फोन निकालती है और बोलती है, यार प्रिया कोई प्राइवेट नंबर है। प्रिया जैसे ही फोन उठाती है और बोलती है, हेलो हेलो हेलो, कोई है? हेलो। प्रिया बस कान से जरा सा फोन हटाती ही है कि तभी उसे आवाज आती है, आजा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और फोन कट जाता है। तीनों भूत बंगले में कदम रखते ही हैं कि तभी शिवम प्रिया से पूछता है, अरे किसका फोन था प्रिया? पता नहीं यार, कोई पागल था शायद। और बातें करते करते तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। यार अब तो मेरी आंखें खोल दो कि आंखें बंद करके ही मिलवाओगी किसी से। यार रत्ना खोल ना आंखें। रत्ना यार मैं शिवम, मैं पट्टी खोल रही हूँ, बहुत हो गया तुम लोगों का। और प्रिया पट्टी खींच लेती है। ये क्या है रत्ना? शिवम? प्रिया झटके से मुड़ती है लेकिन रत्ना और शिवम वहां नहीं होते। उसके सामने एक पुरानी हिलने वाली कुर्सी और एक मेज जिस पर कुछ खाने के साथ एक मोमबत्ती जल रही होती है। प्रिया उस टेबल की तरफ बढ़ती है तभी अचानक से एक खोपड़ी लुढ़कती हुई टेबल के नीचे से आ जाती है। आउच! प्रिया जोर से चीखती है। तभी किसी के भागते हुए कदमों की आवाज प्रिया को सुनाई देती है और वो बाहर जाने के लिए भागती है। लेकिन उसके दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। प्रिया बहुत डर जाती है। रत्ना शिवम ये तुम लोग हो क्या? प्लीज ना यार सामने आ जाओ। एक और जोरदार आवाज प्रिया को सुनाई देती है। वो तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ती है तभी उसके पैर में कुछ अटकता है और वो गिर जाती है। उसके सामने एक दरवाजा खुलता है और प्रिया, I'm sorry प्रिया, help me प्रिया, मुझे बचा ले प्रिया। एक कटे हाथ के साथ रत्ना लहूलुहान उस दरवाजे पर से बोलती है, ये क्या हुआ रत्ना तुझे? तू डर मत, मैं अभी आई। प्रिया जल्दी से उठती है और रत्ना की तरफ भागती है। तभी रत्ना का सर कटकर प्रिया के आगे गिर जाता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं जिसमें से उसकी आंतें निकलकर वहीं प्रिया के आगे गिर पड़ती हैं। आउच! कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्रिया धीरे धीरे उस टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोलती है और रोती हुई उस टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शिवम तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना?
तभी टेबल पर ढके बर्तन हिलने लगते हैं। प्रिया झट से दो कदम पीछे होती है और कांपते हुए हाथों से एक बर्तन का ढक्कन हटाती है। नहीं, नहीं, नहीं! प्रिया बर्तन में रखे शिवम के सर को देखकर चीखने और चिल्लाने लगती है। तभी सारे बर्तन खुल जाते हैं और हर बर्तन में शिवम के शरीर का एक एक टुकड़ा होता है। प्रिया रोते डरते हुए सब देख ही रही होती है, तभी कटे रखे शिवम के सर की आंखें खुलती हैं और वो कहता है, प्रिया, प्रिया यहाँ से भाग जा, तेरी बात सही थी प्रिया, भाग जा यहाँ से। इतना बोलते ही शिवम के शरीर के टुकड़े सड़ जाते हैं और शिवम और रत्ना की चीखों से वो बंगला गूंज उठता है। उन्हीं चीखों के साथ एक हंसी की आवाज आने लगती है। प्रिया के सामने रखी कुर्सी हिलने लगती है और जोर जोर से हिलती है। प्रिया दो कदम पीछे हटती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुला देखकर प्रिया उसकी तरफ भागती है और छलांग लगा देती है, पर ना ही वो बाहर जा पाती है और ना ही अंदर रह जाती है। उस दरवाजे के बीच दबकर ही उसका आधा शरीर दरवाजे के अंदर और आधा बाहर गिर जाता है और एक आंख निकलकर गेट पर लटक जाती है, जहाँ लिखा होता है, Home Sweet Home। आज भी उस बंगले में कोई भी जाता है तो कभी लौटकर वापस नहीं आता।